सिंपल डाउनलोड पाइचाम करना है तो ये दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, प्रोफेशनल एंड कम्युनिटी। तो आपने कम्युनिटी डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है, बिल्कुल सिंपल इंस्टॉलेशन है। जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे और इसका रन करेंगे आप, तो यहाँ पर मैं ये कह रहा था कि जनाब इधर जब मैं न्यू प्रोजेक्ट करता हूँ तो ये जो चीज़ें नीचे नज़र आ रही है ना, ये कम्युनिटी में आपको नज़र नहीं आएंगी। अच्छा, कम्युनिटी में ये चीज़ें आ जाती हैं, अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है, आ जाएंगी, लेकिन बाई डिफॉल्ट नहीं आएंगी। तो हमें इसकी कोई टेंशन अभी लेनी नहीं है, अभी उस पर हम काम करेंगे। अभी फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे ये सी में, यूजर्स में, इसरार अली में, पाईचाम प्रोजेक्ट्स में ये एक नया प्रोजेक्ट बना रहा है, तो इसका नाम मैं रख देता हूँ माई फर्स्ट पाइथन प्रोजेक्ट। कि मैं आपको तरीका वो बता रहा हूँ, वैसे और बहुत सारे तरीकों से भी डेवलपमेंट आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये तरीका किसी खास वजह से बता रहा हूँ। और कुछ भी मैं इसके अंदर चेंज नहीं कर रहा, सिंपल क्रिएट पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा एक नया प्रोजेक्ट बन गया। ठीक है, एक और भी तरीका है और वो ये है कि अगर आप ऑनलाइन काम करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे गूगल कोलैब अगर आप सर्च करें तो ये research.google.collab.research.google.com पे भी जाके आप पाइथन का पूरा कोड लिख सकते हैं। लेकिन वो अभी इन्हीं वो मैं अभी आपको रिकमेंड नहीं कर रहा, आप सिंपल अभी पाइचाम पहले यूज़ कर लें तो बेहतर है। इसमें क्या होता है कि इसमें भी आप सिंपल ऑनलाइन कनेक्ट हो गए, इसके अपने एडवांटेजेस हैं, अपने डिसएडवांटेजेस हैं। यहाँ पे अगर मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ फ्रेंड, और मैंने लिखा जनाब वेलकम टू पाइथन और ऐसे करके मैंने रन कर दिया, तो ये इस स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। ठीक है, ऑनलाइन ही प्रिंट कर देगा और इसका आउटपुट आपको दिखा देगा। और यहाँ पे आप के पास एडवांटेज ही होता है कि बहुत सारी लाइब्रेरीज ऑलरेडी यहाँ मौजूद हैं, पीछे जो प्रोसेसिंग है वो ज़रा एडवांस किस्म की है, पावरफुल किस्म की है, तो आप इसको अपनी एक्सटेंसिव कोडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी हमें सिंपल सिंपल कोडिंग करनी है तो उसके लिए ज़्यादा सूटेबल मैं समझता हूँ कि पाईचार्म। यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इसको आप डिलीट कर दें और यहाँ पे ऐसे करके लिख दें फ्रेंड, और सपोज आपने लिख दिया वेलकम टू पाइथन और ऐसे करके आपने यहाँ पर रन पे क्लिक कर दिया, तो इसका आउटपुट आपको यहाँ पर नीचे कंसोल पे नज़र आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक? अच्छा जी जी बिल्कुल, हो सकता है आप करना चाहें तो कर सकते हैं। उसका जो है ना वो आप करेंगे ये कि अच्छा, तो एक मिनट में देख लेता हूँ। आप सही है, चलिए। तो ये थीम थी, वो थीम अगर आप नहीं समझ आता तो आप ये वाली थीम यूज़ कर लें। अच्छा, अभी कोई स्लाइड और कोई ऐसी जो है वो मैं आपको ना बुक का कुछ भी कह रहा हूँ, अभी बिल्कुल इनिशियली स्टार्ट करने के लिए आपने करना ये है कि एक वेबसाइट है w3schools.com, इस वेबसाइट पर हम चले गए। वो इनिशियल लेवल पे प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट सीखने के लिए बड़ी अच्छी वेबसाइट है। इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो कोड आप लिखते हैं ना वो यहीं पर रन करके भी आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अगर आप चले जाएँ w3schools में, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल्स नज़र आएंगे डिफरेंट लैंग्वेजेस के। यहीं पर आपको प्रोग्रामिंग में मिल जाएगा लर्न क्या, पाइथन।
ठीक है, इधर आ गए आप। तो यहाँ पर आपको पाइथन से रिलेटेड बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिलेंगे, आप चाहें तो यहीं पे भी रन करके उसका आउटपुट चेक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ ट्राई इट योर सेल्फ पे गए, अभी हेलो वर्ड लिखा हुआ है, तो यहाँ हेलो वर्ड पे आपने क्या लिख दिया, अपना नाम लिख दिया, ठीक है, और रन पे क्लिक कर दिया, तो ये इसका आउटपुट आपको यहीं जनरेट करके दिखा देगा। और ये कोड यहाँ से कॉपी करके अगर आप पाइथन पे जाके लिखें और रन करें तो इसका आउटपुट आपको यहाँ ऑफलाइन इधर नजर आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो इनिशियली स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ से रीडिंग भी कर सकते हैं रिलेटेड टू पाइथन। जैसे मिसाल के तौर पर आप चले गए पाइथन के इंट्रो के ऊपर, तो ये बता रहा है कि भाई पाइथन जो है ना वो कहाँ कहाँ यूज होती है। सर्वर साइड में यूज होती है, वेब डेवलपमेंट में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज होती है, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, सेंटेक्स वगैरह, मुख्तलिफ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं ज़्यादातर कोड बताकर और फिर उसके ऊपर जो है वो समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, इन्होंने जो इंस्टॉलेशन वगैरह की चीज़ें दी हुई हैं उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम क्या यूज़ कर रहे हैं जनाब, पाइथन हम यूज़ कर रहे हैं। ये इन्होंने इस तरीके से बताया हुआ, जैसे आप कमांड बेस कोडिंग कर रहे हो तो उस वक्त यूज़ करते हैं। सेंटेक्स को भी छोड़ दें, कॉमेंट्स क्या होते हैं उसको भी छोड़ दें। कॉमेंट क्या है कि भाई हेलो इसरार अली है, अब मैंने इसमें कॉमेंट करना है कि भाई ये क्या है, तो मैं इस तरीके से कॉमेंट कर सकता हूँ कि भाई आई एम प्रिंटिंग, क्या प्रिंटिंग, हम प्रिंट कर रहे हैं भाई कि आई एम प्रिंटिंग माई नेम, अब ये कॉमेंट है। वो कॉमेंट प्रिंट करने के लिए अगर मैं ये हैश का साइन नहीं लगाऊंगा तो ये इसको पाइथन का कोड समझेगा, इसको कंपाइल करने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कॉमेंट लगा दूंगा तो ये समझ जाएगा कि ये सिंपल कोई टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है समझने के लिए या किसी को समझाने के लिए, इसको कमेंट कहते हैं, इसको ही ना ये कंपाइल करेगा ना रन करेगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आ जाते हैं वेरिएबल्स के ऊपर। वेरिएबल्स क्या होते हैं भाई, कोई बताएगा मुझे? ठीक है, ठीक है, वो चेंज होते रहते हैं। एनीथिंग विच कैन वेरी इज वेरिएबल। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, किस तरीके से यूज किए जाते हैं, डिफरेंट टाइप के वेरिएबल होते हैं, तो वो जरा हमें तसल्ली से देखना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं लिखता हूँ भाई एक्स इक्वल्स टू फाइव, अब ये मैंने क्या बना दिया, एक वेरिएबल है। इसमें ये जो एक्स है ना ये तो कहलाएगा वेरिएबल, इक्वल्स टू क्या ठीक है, इसको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। फाइव क्या है, फाइव को आप कहेंगे जनाब कॉन्स्टेंट है। ठीक हो गया, तो यहां पर हो ये रहा है कि फाइव कॉन्स्टेंट जो है वो एक्स के अंदर क्या हो रहा है, स्टोर। ठीक है, अच्छा अब ये एक्स है क्या, तो अगर आप जैसे ना यहां पर सिंपल ऐसे लिखें टाइप और उसमें लिखना है एक्स, ठीक है, और ये जो टाइप एक्स है इसको प्रिंट करवा दें, तो ये आपको इसकी टाइप बताएगा और इसकी टाइप क्या है, इंटीजर। एक डेटा टाइप है पाइथन के अंदर, और ये डेटा टाइप यूज होती है किसके लिए, वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर करने के लिए। सही है, अच्छा मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइज, और साइज के मैं ऐसे करता हूँ कि सपोज मैं यहाँ पे गया गूगल पे और मैंने लिखा कि इंटीजर साइज इन पाइथन, तो ये मुझे बता रहा है कि इंटीजर जो है वो हमारे पास 32 बिट का या 4 बाइट का होता है। क्या मतलब है इस बात से, इस बात से मतलब ये है कि देखें होता क्या है, जब मैं लिखता हूँ ना x इक्वल्स टू फाइव, तो इस लाइन में क्या क्या हो रहा है,
इस लाइन में एक वेरिएबल बन रहा है एक्स के नाम से, जिसकी डेटा टाइप है इंटीजर। क्यों है इंटीजर? क्योंकि इसमें हम 5 स्टोर कर रहे हैं। होता क्या है कि जो आपकी कंप्यूटर मेमोरी होती है ना, वो थोड़ी डिफरेंट किस्म की होती है। समझ लें जैसे कराची शहर है, तो अब यहाँ पे मुख्तलिफ बिल्डिंग्स हैं, तो हर बिल्डिंग का कोई ना कोई एड्रेस है। आपको किसी बिल्डिंग में जाना है तो कैसे जाएंगे? उसका एड्रेस चाहिए होगा ना। तो प्रोग्रामिंग में भी जब हम कोई भी वैल्यू मेमोरी में स्टोर करते हैं, तो इस तरह स्टोर करना चाहते हैं कि बाद में एक्सेस कर सकें। तो जब मैं x इक्वल्स टू 5 लिखता हूँ, तो मेमोरी में एक ब्लॉक बन जाता है और उसमें जाकर स्टोर हो जाता है क्या? 5। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, इस ब्लॉक का कोई ना कोई एड्रेस होता है, लेकिन किस एड्रेस पे इस 5 को जाके रखना है, ये हम अपनी हाई लेवल लैंग्वेजेस के थ्रू डिफाइन नहीं कर सकते। ये ऑपरेटिंग सिस्टम की मर्जी होती है। फ्री अवेलेबल स्पेस में वो जहां दिल चाहेगा इस वेरिएबल को, ब्लॉक को बना देगा, और इसको पॉइंट करने वाला जो वेरिएबल है उसका नाम है x। x इस जगह को जानता है, x को पता है कि 5 कहां पड़ा है। तो अब मैं कहीं भी जाके x प्रिंट करवाऊंगा, तो वो क्या प्रिंट करेगा? वो 5 प्रिंट करेगा। ठीक है। अच्छा, इसके मुकाबले में अगर मैं एक और वेरिएबल बनाता हूं और उसमें मैं 10 रख देता हूं और y प्रिंट करवाऊंगा, तो वो क्या प्रिंट करेगा? फिर वो 10 प्रिंट करेगा। अच्छा, एक चीज ये भी है कि अगर मैं यहाँ 10.5 रख देता हूँ y के अंदर और फिर टाइप ऑफ y चेक करता हूं, तो ये मुझे टाइप ऑफ y बताएगा फ्लोट। फ्लोट क्या है? फ्लोट एक डिफरेंट डेटा टाइप है, इंटीजर एक डेटा टाइप है। असल में होता ही ये है कि जो भी डेटा मेमोरी में स्टोर होता है ना, वो बाइनरी लैंग्वेज में स्टोर होता है, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है, 1010। अगर आप बाइनरी लैंग्वेज को स्टडी करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि उसमें फ्लोटिंग नंबर्स को स्टोर करने का तरीका अलग है और नॉन फ्लोटिंग नंबर्स को स्टोर करने का तरीका अलग है। तो इसीलिए फ्लोटिंग नंबर्स के लिए अलग डेटा टाइप है और नॉन फ्लोटिंग के लिए अलग है। अब पाइथन में आपको ये आसानी है कि आप जो वैल्यू लिखते हैं उसके हिसाब से उसको डेटा टाइप खुद ही असाइन हो जाती है। ठीक है, 5 लिखा तो x इंटीजर बन गया। अगर मैं 5.5 लिखता तो x क्या बन जाता? फ्लोट बन जाता। ठीक है, तो जनाब इस तरीके से हम कोई भी वेरिएबल बना सकते हैं और उसमें क्या कर सकते हैं? वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब जैसे अगर मैं x में 5 रखता हूं और y में मैं 5 नहीं रखता, कोई नंबर नहीं लगता, बल्कि कोई कैरेक्टर रख देता हूं। मिसाल के तौर पे मैं यहां पर एक और वेरिएबल बनाता हूं z के नाम से और उसमें मैं कोई कैरेक्टर लिख देता हूं, जैसे कि a। अब अगर मैं z को प्रिंट करूंगा तो प्रिंट तो वो a करेगा, लेकिन उसकी अगर मैं टाइप चेक करूंगा तो वो मुझे बताएगा कि इसकी टाइप एक्चुअली str है, यानी कि स्ट्रिंग है। समझ में आ रही मेरी बात? आप सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप लिखते हैं कि a कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है, अब आपने ये लिख दिया, प्रिंट करेंगे तो वो प्रिंट भी कर देगा। ठीक है, ये पूरी एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है। सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं, डबल कोट में भी लिख सकते हैं। हो जाएगा, आप डायरेक्ट यहाँ प्रिंट कर सकते हैं। हाँ, तो वो टाइप तो है, वो तो रिटर्न तो करेगा टाइप का फंक्शन, लेकिन वो प्रिंट नहीं होगा ना, नीचे नहीं नजर आएगा। एरर तो खैर कोई नहीं आएगा, लेकिन वो नीचे प्रिंट नहीं करेगा। कंसोल पे प्रिंट कराने के लिए प्रिंट का फंक्शन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली आप डबल कोट में भी स्ट्रिंग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपने लिख दिया कि इतना सन्नाटा क्यों है भाई। अब m को प्रिंट करूंगा तो ये प्रिंट होगा। ठीक है, और m की टाइप को प्रिंट करूंगा तो वो स्ट्रिंग डेटा टाइप बताएगा कि भाई हमारे पास ये जो वेरिएबल है m, उसकी डेटा m स्ट्रिंग है। तो
बात समझ में आ रही है? जैसी वैल्यू देंगे उसके हिसाब से क्या हो जाएगी जनाब, टाइप उसकी डिसाइड हो जाएगी। फिर एरर आ जाएगा क्योंकि उसको पता नहीं ना कि कितना करना है, सिंगल कोट या डबल कोट तो लगाना जरूरी है, इसलिए कि वो नंबर है। जब नंबर होंगे तो उसमें सिंगल कोट और डबल कोट लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब स्ट्रिंग होगी तो उसमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ ये फिक्स हो गए ना, ये अलग अलग वेरिएबल है ना, एक्स एक्स इंटीजर बन गया, वाई डबल बन गया। असल में पाइथन जो है ना, बाकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनमें ये फीचर्स हैं कि फिक्स कर दें तो वो लोगों को बुरे लगते थे, तो पाइथन ने कहा कर लो, कोई मसला नहीं, इंजॉय करो, ठीक है, ऐसा कोई मसला नहीं, आप दोबारा करेंगे वो उस डेटा टाइप के हिसाब से बना देंगे। अच्छा ये भी नॉर्मल लैंग्वेज ही है पाइथन जो है ये, हाँ बाकी लैंग्वेजेस में तो इसका सेंटेक्स थोड़ा डिफरेंट है, वो काम यहाँ भी हो जाएगा। अगर दूसरी लैंग्वेज के अंदर आप टू लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमास में तो वो उसको स्ट्रिंग कंसिडर करता है, यहाँ भी अगर आप इसको इन्वर्टेड कॉमास में टू लिखेंगे तो ये इसको स्ट्रिंग ही कंसिडर करेगा। ठीक है, ये स्टिल एक स्ट्रिंग है क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है, तो बाकी लैंग्वेजेस में भी स्ट्रिंग का होने की शर्त इन्वर्टेड कॉमा है। इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल आप यूज करेंगे सिंगल कोट तो स्ट्रिंग है, अदरवाइज सिंपल नंबर लिखा हुआ है, फ्लोटिंग है नॉन फ्लोटिंग है तो वो फिर इंटीजर या फ्लोट है। ठीक हो गया, जो डेटा टाइप्स हैं हमारे पास पाइथन के अंदर वो काफ़ी सारी हैं, इंटीजर्स हैं, यानी पाइथन अगर आप डेटा टाइप्स देखना चाहें। अच्छा ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर आपको गूगल बहुत ज़्यादा जो है ना उसको यूज़ करना है, ठीक है, तो उसकी भी थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो डेटा टाइप्स हमारे पास एसटीआर है, इंटीजर है, फ्लोट है, और एक होती है कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। कॉम्प्लेक्स क्या है? अच्छा ये अब थोड़ा सा वो जो हम बात कर रहे थे, कॉम्प्लेक्स ये है कि आपने नंबर भी लिख दिया और कैरेक्टर भी लिख दिया, इसको बाकी लैंग्वेजेस के अंदर कंसिडर ही नहीं किया जाता, मानते ही नहीं है, लेकिन पाइथन में इसको कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप समझ लिया जाता है। ठीक है, ये थोड़ी डिफरेंट चीज़ है, पिछली लैंग्वेजेस में दूसरी लैंग्वेजेस में नहीं होती। ठीक है, बाकी हमारे पास और भी बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे, जैसे लिस्ट और टपल और रेंज। जैसे इंटीजर है, इंटीजर का साइज कितना है? 4 बाइट। तो पाइथन उसको 8 बाइट में कन्वर्ट कर देगा पूरी। हाँ वो फ्लोट होगा। और एक है वाई, ठीक है, एक्स में है 5 और वाई में है 10। ठीक है, अब मैंने किया ये कि एक बना दिया जेड, चले हमने बना दिया एम भी बना दिया, जेड भी बना दिया, आई बना लेते हैं, और आई में हम करते ही हैं कि एक्स को डिवाइड कर देते हैं वाई से। ठीक है, अब आई में क्या वैल्यू गई? 0.5। ज़रा चेक करते हैं आई में क्या वैल्यू गई और आई की टाइप क्या है, यही आंसर मिल जाएगा। अभी देखें 0.5 था, इसने क्या किया कि आई में वैल्यू चली गई 0.5, इसने आई को फ्लोट कंसिडर कर लिया, लेकिन अगर मैं यहाँ पर वाई डिवाइडेड बाई एक्स लिख देता हूँ तो क्या होगा? अभी भी ये फ्लोट ही कंसिडर कर रहा है। ठीक है, तो पाइथन बेसिकली ये करता है, इसका बिहेवियर ये है कि अगर आप दो नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो चाहे रिजल्ट इंटीजर आ रहा है या फ्लोट आ रहा है उनको फ्लोट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, हाँ फिर आप इंटीजर में उसको कास्ट करके कन्वर्ट कर ले। ठीक है, इसकी बात कर रही हैं, ये तो स्ट्रिंग है ना,
ऐसे कह रहे हैं चले, बहरहाल ये कास्टिंग वाले इश्यूज हैं, कास्टिंग पे अभी मैं आना नहीं चाह रहा था, मैं थोड़ी देर में आना चाह रहा था। तो अभी जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, वो समझाना क्या चाह रहा हूँ, देखिए थोड़ा रिलैक्स होकर आराम से जो मैं बताना चाह रहा हूँ पहले समझ लें, इन चीज़ों पर हम आराम से आ जाएंगे, टेंशन ना लें। डेटा टाइप्स क्या होती हैं? डेटा टाइप्स ये हैं कि जो वेरिएबल आपने बनाया है उसको किस तरह स्टोर करना है मेमोरी में। तो वो आप इंटीजर भी यूज़ कर सकते हैं, फ्लोट भी यूज़ कर सकते हैं, और भी डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं, जैसे बूलियन होती है उसमें ट्रू फॉल्स स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। साइज की टेंशन यहाँ लेने की हमें जरूरत नहीं है कि 4 बाइट का है कि 8 बाइट का है, और पाइथन बहुत सारे काम खुद भी कर रहा होता है, फ्लोट में कन्वर्ट कर देता है इंटेलिजेंटली या इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है, इतना बड़ा कोई ये मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, तो वेरिएबल्स के ऊपर ही हमारी डिस्कशन चल रही थी और मैंने आपके सामने कुछ वेरिएबल्स रखे थे। एक्स अगर 4 करता हूँ तो इसकी टाइप इंटीजर है, और अगर मैं इसमें सैली करता हूँ तो इसकी टाइप क्या होगी? स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग में आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, जैसे 3 अगर आप लिखें और ऐसे लिख दें str, तो ये फंक्शन क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें? स्ट्रिंग डेटा टाइप में। अगर मैं इस तरह इंटीजर लिख दूं तो इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें? इंटीजर में। और फ्लोट में कर दूं तो ये किसमें कन्वर्ट कर देगा? फ्लोट में। मिसाल के तौर पे अगर यही कोड मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इधर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, और अभी मैं टाइप चेक करना चाहता हूँ किसकी, एक्स की, तो एक्स की क्या टाइप आएगी? एक्स की फ्लोट आएगी। एक्स की बेटा स्ट्रिंग इसलिए आएगी क्योंकि है तो ये 3, लेकिन इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? स्ट्रिंग डेटा टाइप में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इसको टाइप कास्टिंग कहते हैं। एक टाइप से, डेटा टाइप से हम किधर किधर ले गए? दूसरी डेटा टाइप में ले गए, इसको कहते हैं टाइप कास्टिंग, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से ये 3 है, ये नॉर्मली क्या है? इंटीजर है, आप इसको इंटीजर में कन्वर्ट करवा रहे हैं। ये 3 है, ये इंटीजर है, इसको किस में कन्वर्ट करवा रहे हैं? फ्लोट में कन्वर्ट करवा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ जेड प्रिंट करवाता हूँ तो ये बता देगा कि भाई ये क्या है, एक्चुअली एक फ्लोट है। तो इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस ये कि इंटीजर होती है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, ये 3 डेटा टाइप ध्यान में रख लें, और जो वैल्यू आप देंगे पाइथन खुद ही डिसाइड कर लेगा कि उसके लिए बेस्ट सूटेबल डेटा टाइप क्या है। बाकी लैंग्वेजेस में होता था कि हम इंटीजर डेटा टाइप लिखते थे तो उसमें थोड़ा लोग परेशान होते थे, यहाँ पर रिलैक्स रहें, खुद ही डिसाइड कर लेगा। जी, कैरेक्टर की जरूरत ही नहीं है ना, अब आपको स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज करें, एक कैरेक्टर भी स्ट्रिंग में यूज करें, होती तो यही है, वो इंटरनली वही होती है। अगर आप ए को स्मॉल ए को करेंगे तो वो 97 आ जाएगा, कैपिटल ए को करेंगे 65 आ जाएगा, एक्सपेरिमेंट करके खुद देख लें। लेकिन इसमें ज्यादा ना टेंशन मत लें इन चीजों के अंदर, ये कोई इतनी ज्यादा अहम और इम्पोर्टेंट चीज है नहीं है। असल चीज ये है कि आपको समझ में ये आ जाए कि भाई कोई ना कोई डेटा टाइप डिसाइड हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू अ वेरिएबल, और वो वेरिएबल में आप सिंपल वैल्यू दें वो खुद ही डिसाइड कर लेगा, कौन? पाइथन खुद ही डिसाइड कर लेगा। बात समझ में आ गई? हाँ, आपको स्पेसिफिकली किसी और डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है तो आप वो फंक्शन यूज कर लें, str का यूज कर लें, इंटीजर का यूज कर लें, या फ्लोट का यूज कर लें, ठीक है। आगे चलें, ये डेटा टाइप पढ़ना है आज, चलें। अच्छा जी, ये मैंने आपको एक फंक्शन बता दिया कि आपको किसी की टाइप चेक करनी हो तो आप कैसे यूज करते हैं, टाइप के फंक्शन से, ठीक है। आप चाहें तो सिंगल कोट यूज कर लें, आप चाहें तो डबल कोट यूज कर लें, दोनों केसेस में वो बनेगा क्या? स्ट्रिंग बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब पाइथन के अंदर जो वेरिएबल हम बनाते हैं ना उसका एक खास सिंटैक्स है। वेरिएबल क्या होता है मैंने अभी आपको बताया, लेकिन आप वेरिएबल का जब नाम रख रहे होते हैं ना तो उसमें ऐसा नहीं है कि मैं मिसाल के तौर पे वेरिएबल का नाम रख दूं प्रिंट, और प्रिंट में स्टोर करवा दूं 10। अब इसमें प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम? प्रिंट तो एक फंक्शन पहले से मौजूद है,
ठीक है। अब मैं प्रिंट करवाऊंगा प्रिंट को, यानी यहाँ पे मैं जाके लिखूंगा प्रिंट प्रिंट, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये कीवर्ड है यहाँ पर, ऐसे तो फंक्शन है, कीवर्ड नहीं कहेंगे हम इसे, लेकिन हम कहेंगे कि ये वर्ड ऑलरेडी रिजर्व्ड है, ठीक है। या मैं इंटीजर नाम का वेरिएबल बना दूं, ये भी रिजर्व वर्ड है क्योंकि इंटीजर एक डेटा टाइप है। या मैं फ्लोट नाम का वेरिएबल बना दूं, ठीक है। तो लिहाजा इसलिए इस नाम का वेरिएबल नहीं बना सकते। तो पाइथन में जो वेरिएबल बनाने का तरीका यह है कि जो वेरिएबल है उसको किसी लेटर से स्टार्ट करें या अंडरस्कोर से स्टार्ट करें। नंबर से स्टार्ट आप नहीं कर सकते, और इन बिटवीन वेरिएबल के नेम के अंदर कोई भी आप अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर कौन से होते हैं भाई? ठीक है, तो ये अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर उसके अंदर आप यूज कर सकते हैं। और ये के वेरिएबल नेम्स क्या हैं आपके पास? केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव से क्या मुराद है? हाँ, मिसाल के तौर पे अगर मैंने एक वेरिएबल बना लिया अंडरस्कोर इसरार अली नेम, और इसमें स्टार करवा स्टोर करवा दिया मैंने इसरार अली, तो अब अगर मैं प्रिंट करवाने जा रहा हूँ और प्रिंट मैंने करवाया जनाब अंडरस्कोर और यहाँ लिख दिया इसरार अली, तो इसको प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों प्रॉब्लम हो रही है इसको? इसलिए कि यहाँ आई क्या है? स्मॉल है। आपको क्या लिखना पड़ेगा? कैपिटल लिखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे जनाब? चलिए, तो आप ये क्या प्रिंट करेगा, ठीक है, समझ में आ रही बात? नॉर्मली हम करते ही हैं, सेंटेक्स ये है कि आप स्मॉल लेटर्स में सारे नाम लिखें, ठीक है। पाइथन का जो रिकमेंडेड सेंटेक्स है, एरर तो कोई नहीं आएगा। अगर इसरार अली नेम लिखना है तो आप इस तरीके से या तो अंडरस्कोर लगा लें, ठीक है, तो उससे अंदाजा हो जाएगा कि ये पर्टिकुलर वेरिएबल है और इसमें ये स्टोर हो रहा है। बात समझ में आ रही है? स्टोर करने को तो आप इसको आई में भी कर सकते हैं, एरर कोई नहीं आएगा। कि बेहतर ये कि वेरिएबल का नाम ऐसा हो जिससे पता चले कि भाई इसमें क्या स्टोर है। ये कोई अपना माइक ऑफ कर लो यार, आसिम साहब चल नहीं होगा, ठीक है भाई। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? इसमें डिफरेंट केसेस होते हैं। अगर आप पहला स्मॉल रखेंगे और बाकी को कैपिटल रखेंगे तो वो कहलाता है कैमल केस। वेरिएबल नेम के अंदर ये टेक्निक यूज होती है। कैमल केस ही होता है कि अगर मैंने तीन वर्ड्स मिला रखे हैं तो पहले को स्मॉल रखूंगा और बाकी सबको कैपिटल रखूंगा। मिसाल के तौर पे मैं एक वेरिएबल नेम बनाना चाह रहा हूँ, कैपेसिटी ऑफ माई कार, कार कैपेसिटी बनाना चाह रहा हूँ। तो कार कैपेसिटी मैं कैसे बनाऊंगा? कार को सी को स्मॉल रखूंगा, कैपेसिटी का सी कैपिटल कर दूंगा। ये कैमल केस कहलाता है। पास्कल केस ये होता है कि सबको कैपिटल कर दो, यानी कार का कैपिटल होगा और कैपेसिटी का सी भी कैपिटल होगा, दोनों अलाउड है। स्नेक केस ये होता है कि कार अंडरस्कोर कैपेसिटी, इसको कहते हैं स्नेक केस। तीनों तरीके का आप यूज कर सकते हैं फॉर वेरिएबल नेमिंग। प्रोग्रामिंग टेक्निक से ये एरर कोई नहीं आएगा अगर आप ये यूज नहीं करते तो, ठीक है। ये ग्रा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहा है, ये मैं नहीं दिखा रहा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज भी आप असाइन कर सकते हैं मल्टीपल वेरिएबल्स को पाइथन के अंदर बड़ी आराम से। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर आई कॉमा जे कॉमा के लिखूँ और यहाँ पर लिखूँ जनाब इसरार अली और फिर लिखूँ जनाब अनवार और कॉमा करके यहाँ पे लिखूँ जनाब मकार, तो ये क्या करेगा भाई? आई में क्या चला जाएगा? जैसे यहाँ ऑरेंज चला जाएगा एक्स में, बनाना चला जाएगा वाई में और चेरी चला जाएगा जेड में, तो आई में चले जाएगा इसरार अली, जे में चले जाएगा अनवार और के में क्या चले जाएगा, ठीक है, समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से आप मल्टीपल वेरिएबल्स को क्या कर सकते हैं? इनिशियलाइज करवा सकते हैं। एरर देखें, ये जो अंडर ये जो रेड दिखा रहा है ना, ये एरर है, और जब आप रन करेंगे तब भी ये इस तरीके से एरर दिखाएगा,
लेकिन रन करने से पहले ये आपको पाईचाम एरर दिखा रहा है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा जी, वेरिएबल्स पे हमारी बात हो गई, इसको आप डेटा टाइप्स को भी हमारी डिस्कशन हुई है, सारी मैंने डेटा टाइप्स आपको अभी नहीं बताई है, तो ये आप उसके हिसाब से देख लीजिएगा। कुछ मैंने डेटा टाइप्स बताई हैं जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, एसटीआर, बुलियन, ये डेटा टाइप ज़्यादातर यूज होती हैं। अभी आगे जाके और भी डेटा टाइप्स इसके अंदर हम देखेंगे, ठीक है। अभी मैं यहाँ से ये सारी चीज़ें स्किप करके इधर आ रहा हूँ, इधर लिखा हुआ है पाइथन इफ एल्स, ये भी सारी चीज़ें मैं बताऊँगा, ठीक है, लेकिन एक स्टेप बाय स्टेप अपने तरीके से मैं बताऊँगा। तो अभी हम यहाँ से कहाँ आ गए, इफ एल्स के ऊपर, ठीक है। ये जो इफ एल्स है ये क्या होता है, कहलाती हैं कंडीशंस। देखें, जब हम कोई भी वेरिएबल बनाते हैं, मिसाल के तौर पे मैंने लिखा आई इक्वल्स टू 10, तो इसमें मैंने बताया कि भाई एक वेरिएबल है, कांस्टेंट है, और वैल्यू मैंने असाइन कर दी किसमें, अपने वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है जनाब, एक वेरिएबल है। अच्छा, अब उसके बाद मैंने लिखा वाई इक्वल्स टू 20, फिर मैंने आई को प्रिंट करवा दिया या आई को किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा दिया, मैंने कहा जेड इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस वाई, और फिर मैंने क्या किया कि जो भी रिजल्ट आ रहा है वो मैंने प्रिंट करवा दिया। अब ये एक कोड मैंने लिख दिया और इस कोड का एक आउटपुट आ जाएगा, सही है। इसमें क्या हो रहा है, पहले लाइन नंबर 5 चल रही है, पहले लाइन नंबर 3 चल रही है, फिर 5 चल रही है, फिर 7 चल रही है, फिर 9 चल रही है, फिर लाइन नंबर 16 चल रही है, ठीक है। कोड का एक फ्लो है जिसमें आप एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, पहले ऊपर वाले लाइन है फिर नीचे वाले। लेकिन बाज अवकात हमारे कोड में ये होता है कि जब आप एक कोड के फ्लो में जा रहे होते हैं तो आपके पास मल्टीपल डायरेक्शंस आ जाते हैं। जैसे एक रास्ता जा रहा है, वहां से दो रास्ते निकल रहे हैं, या तो इधर जाना है या इधर जाना है, तो आप या तो इधर जा सकते हैं या इधर जा सकते हैं। तो उस ऐसे सिनेरियो के लिए आप जो है वो स्टेटमेंट्स यूज करते हैं जिनको हम कहते हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। सिलेक्शन स्टेटमेंट्स ये होती हैं कि हम यूजर से ना कुछ सिलेक्शन करवाते हैं। इसमें जनाब हमारे पास इफ का ब्लॉक होता है और एल्स का होता है, एलिफ का होता है और बहुत सारे होते हैं, ठीक है, स्विच होता है इसमें। इनका मकसद ये होता है कि यूजर से इनपुट लेके या इनपुट ना भी ले कोई कैलकुलेशन करके किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम जाते हैं और बाकी डायरेक्शन में फिर हम नहीं जाते, सही है। अच्छा, अब ये जो इफ होता है इसके लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और वो है कंडीशन। कंडीशन क्या चीज है भाई, मिसाल के तौर पे मैं लिखना चाहता हूँ प्रिंट और मैंने लिखा 2 + 2, तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये 4 प्रिंट कर देगा, ठीक है, 4 प्रिंट करेगा ना। अच्छा, अगर मैं लिखता हूँ 2 × 2 तो क्या प्रिंट करेगा, अभी भी 4 प्रिंट करेगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर करता ये हूँ कि ऐसे लिख देता हूँ 2 < 2, अब ये लेस देन भी क्या है, ऑपरेटर है, लेकिन ये डिफरेंट टाइप का ऑपरेटर। अब ये जो ऑपरेट जो 2 + 2 है ना, वो एक इंटीजर रिटर्न कर रहा है, ठीक है, एक मिनट ठहरिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम यार, मैंने कल रात भी फ़ोन किया था, सुबह भी फ़ोन किया था, वो उसने छोटे वाले ने उठाया था, वो 2 बजे जो है ना वो फैमिली का खा रहा अंदर, क्या हो सकता है यार, वो मैं भर दूंगा, वो मुझसे गलती हो गई, दिखने वाला दिन मुझे भरना चाहिए था, सॉरी मैं बोल रहा था, ठीक है, अभी तो ये करवाऊंगा, ठीक है, बहुत शुक्रिया। इनको मैं बता देता हूँ, कोई मसला नहीं है, ठीक। अच्छा जी, तो मैं क्या बता रहा था, मैं कह रहा था कि प्लस एक डिफरेंट ऑपरेटर है,
जो रिटर्न करेगा इंटीजर, दो फ्लोट को ऐड करवाएंगे तो वो फ्लोट रिटर्न करेगा, ठीक है, दो स्ट्रिंग को दरमियान में प्लस लगा देंगे तो वो एक स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा, लेकिन अगर दो नंबर्स के दरमियान आप लेस देन लगा दें तो वो क्या होगा, अब वो एक बूलियन डेटा टाइप रिटर्न करेगा, आइदर ट्रू या फॉल्स। तो अब यहां पर आपको लिखा हुआ नजर आएगा फॉल्स, क्योंकि टू टू से लेस। तो जब ये हमारे पास लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, इक्वल टू, इस तरह के ऑपरेटर होते हैं तो उसको आप कहते हैं कंडीशन, और यही कंडीशन इस्तेमाल होती है कहां पर, इफ एल्स के साथ, ठीक है। तो अब इफ एल्स किस तरीके से यूज करते हैं हम, इफ एल्स भाई इस तरीके से यूज करते हैं, मिसाल के तौर पे आपने एक वेरिएबल बनाया उसमें रखा 33, दूसरा वेरिएबल बनाया उसमें रखा 200, अब आपने लिखा इफ बी इज ग्रेटर देन ए तो क्या करो, प्रिंट कर दो कि भाई बी इज ग्रेटर देन ए, टाइम को हटा देते हैं। अब ये क्या प्रिंट करेगा भाई, b is greater than a, क्योंकि b जो है वो a से greater है, लेकिन अगर यहाँ पे मैं 333 कर दूं तो अब क्या होगा, अब ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो अब ये लाइन प्रिंट नहीं होगी, बात समझ में आ रही। तो ये कंडीशन अगर ट्रू रिटर्न करेगी तो ये ब्लॉक चलेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू रिटर्न नहीं करेगी तो ये ब्लॉक नहीं चलेगा, ठीक है, समझ में आ रही बात, प्रिंट करा तो है, ये प्रिंट हो रहा है ना, सिर्फ ये लाइन प्रिंट नहीं हो रही क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज का हमें थोड़ा सा ख्याल रखना होता है पाइथन के अंदर, वो बता इसलिए रहा हूं कि ये एरर आप बहुत ज्यादा आपके सामने आएगी, वो ये कि अगर मैंने इसको यहां कर दिया ना ऐसे तो ये एरर आ जाएगा, ठीक है। पाइथन का जो सेंटेक्स है उसके हिसाब से इफ के ब्लॉक के अंदर आपको ऐसे एक टैब देना होता है या स्पेस दे देना, तो फिर एरर नहीं आएगा, बात समझ में आ रही मेरी, ठीक है, ये पाइथन का सेंटेक्स है। फिर एक और चीज यहाँ आप नोट करें, यहाँ सेमी कॉलन लगा हुआ है या कॉलन लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, कॉलन लगा हुआ है, ये भी जरूरी है, अगर मैंने यहाँ हटा दिया तो एरर आ जाएगा। फिर यहाँ कोई ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, ब्रैकेट नहीं लगाना है और ऐसे करके कोलन लगाना, ठीक हो गया, ये पाइथन का सिंटैक्स है, इसी तरीके से आप काम करेंगे। किसी भी लाइन के एंड में कोई सेमी कोलन कोलन नहीं लगता, लेकिन इफ के एंड पे लगता है, इफ के आगे कोई कंडीशन होती है, सही है। अच्छा, अब इसमें मिसाल के तौर पे बी इज ग्रेटर देन ए है, लेकिन हम कोई और भी कंडीशन यूज करना चाह रहे हैं कि अगर दोनों इक्वल हो, मिसाल के तौर पे दोनों में 333 आ जाए तो अब क्या प्रॉब्लम है, अब मसला ये है कि प्रिंट क्या होगा। देखिए, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एल्स लगा देता हूँ और एल्स में मैं प्रिंट करवा देता हूँ कि भाई ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। तो जब मैंने ये किया तो अब या तो ये प्रिंट होगा या ये प्रिंट होगा, जैसे यहाँ पे मैंने 200 लिख दिया, ठीक है। देखें, ये जो एल्स होता है ना, ये इफ का पार्ट होता है, अगर इफ की कंडीशन ट्रू है तो इफ चलेगा, अगर इफ की कंडीशन फॉल्स है तो क्या चलेगा, एल्स चलेगा। तो अभी क्या होगा, अभी आप इसका आउटपुट चेक करेंगे तो else चलेगा, जब if और else दोनों लगे होते हैं तो या तो if चलता है या else चलता है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। या नहीं समझ लें, दो रास्ते हैं और दोनों में से आप या तो इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, या तो लाइन नंबर 8 चलेगी या लाइन नंबर 10 चलेगी,
दोनों एक साथ कभी नहीं चल सकते। बात समझ में आ रही? जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में ऑर्डर करने गए, वहां दो डील्स हैं, तो आपने डील वन ऑर्डर करी है तो डील टू नहीं करी है, डील टू करी है तो डील वन ऑर्डर नहीं करी है। ऐसे तो आप दोनों भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, हाँ। अब प्रॉब्लम इसके अंदर ये है कि अगर इत्तफाकन ए और बी दोनों बराबर हो गए, अब क्या होगा? तो अब देखें, उसूलन तो दोनों स्टेटमेंट गलत है। इस सिनेरियो में इस वक्त लाइन नंबर 8 भी गलत है और लाइन नंबर 10 भी गलत है, लेकिन जो कोर्ट की एग्जीक्यूशन होगी वो किस तरीके से होगी कि इफ का ब्लॉक अगर फॉल्स है तो वो एल्स में जा रहा है, एल्स में कोई कंडीशन नहीं लगी हुई है, तो लिहाजा अभी क्या होगा? अभी इफ फॉल्स है तो वो एल्स में चला जाएगा, लिहाजा आउटपुट आपको नजर आएगा कि जनाब ए इज ग्रेटर देन बी, जो कि गलत है। तो ऐसे सिनेरियो में फिर आप एक और स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं जिसको आप कहते हैं एलिफ। ठीक है, वो आप कैसे लगाएंगे? आप लिखेंगे एलिफ और इसमें लिखेंगे अगर बी जो है वो बराबर है ए के। अभी मैंने दो इक्वल्स टू क्यों लगा दिया? देखिए, सिंगल जो है ना वो यूज होता है असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए, सही है? अगर मैंने यहां सिंगल लगा दिया तो वो कंडीशन नहीं रहेगी, वो असाइनमेंट कहलाएगी। तो अब अगर ए और बी बराबर हैं तो आप क्या लेंगे भाई? समझ में आ गई बात? ठीक है, तो अब जब ये कोड चलेगा तो ये आपको बता देगा कि भाई B इज इक्वल टू A। अब यहां पे तीन डायरेक्शंस हो गई हैं, या तो लाइन नंबर 8 चलेगी या लाइन नंबर 10 चलेगी या फिर लाइन नंबर 12 चलेगी। तीनों में से कोई एक लाइन चलेगी क्योंकि तीनों आपस में इंटर रिलेटेड है। थोड़ा सा चीजों का ख्याल रखिएगा कि अगर मैं यहां L हटा दूं तो अब ये दो अलग अलग इफ हो गए, अब इन दोनों का ताल्लुक नहीं रहा है। अब इसका मतलब ये है कि 8 और 10 दोनों चल सकती हैं, अभी तो नहीं चलेंगी क्योंकि कंडीशन ऐसी है, जाहिर है या तो ग्रेटर होगा या इक्वल टू होगा। ठीक है, लेकिन सपोज आप जैसे देखें बी जो है ना वो मैंने लिखा हुआ है कि बी एक्चुअली ग्रेटर देन ए है, तो अब ये कंडीशन ट्रू है और ये भी ट्रू है। ठीक है, तो अब क्या होगा? तो अब ये दोनों एग्जीक्यूट होंगी क्योंकि ये दोनों अलग अलग इफ हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ एल इफ लगा दूं तो अब ये इस इफ का पार्ट हो जाता है, तो अब या इफ चल गया तो एल इफ नहीं चलेगा। बात समझ में आ रही मेरी? हाँ भाई, भाई जिंदा हो, इंतकाल हो गया तो मैं समझाना ये चाह रहा हूं आपको कि एल इफ जो है ना वो इफ का पार्ट है। ठीक है, एल्स भी इफ का पार्ट है, इफ अकेला हो सकता है, एल्स अकेला नहीं हो सकता, एल इफ भी अकेला नहीं हो सकता। ठीक है, एक इफ के साथ एक ही एल्स होता है और एक इफ के साथ मल्टीपल एल इफ हो सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है भाई? मिसाल के तौर पे जी लोअर केस में ही रिकमेंडेड है। ठीक है भाई, इस कोड में कोई कंफ्यूजन है जो अभी तक मैंने बताया?
नहीं एरर आ जाएगा, इफ हमेशा सबसे ऊपर होगा, एल इफ, इफ और एल्स के दरमियान आएगा, एल सबसे आखिर में आएगा, एंड करना मतलब आप चाह रहे हैं कि दूसरी कंडीशन आ जाए ना नीचे, तो आप एल इफ हटा दें बस, वो इफ एंड हो गया, ये दूसरा इफ शुरू हो गया, उसकी जरूरत नहीं है, ना ब्रैकेट क्लोज करने की जरूरत है ना कुछ, वो खुद ही अंडरस्टैंड कर लेगा इस चीज को क्या आगे क्या कोड चल रहा है, एंड और ऑपरेटर उसके ऊपर आते हैं भी। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बता दें भाई, बस जो चीज जी बेटा कर ले वो डबल कंडीशन हो जाएगी ना, देखें अभी मैंने एंड और ऑपरेटर बताया नहीं है, आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पे एक इफ लगा दें, क्या इफ लगा दें, मिसाल के तौर पे सपोज दो वेरिएबल आपके पास कोई और हैं, जैसे मैं वो नहीं बना रहा, मैं लिख रहा हूँ कि टू इज इक्वल टू टू, अब क्या हो गया कि एक इफ ये हो गया और एक इफ ये हो गया, ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या हो रही है यहाँ पे, प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये कंडीशन भी ट्रू होगी और ये कंडीशन भी ट्रू होगी, ठीक है, तो इस तरह करना रिकमेंडेड नहीं होता, उसके लिए एंड और ऑपरेटर यूज करते हैं, उसके ऊपर अभी आते हैं, ठीक है, यहां तक मुझे बताएं कोई इशू है जो भी कोड लिखा है, क्लियर, चलिए एल्स का भी मैंने आपको बता दिया, और अच्छा एक शॉर्ट एंड इफ भी होता है, शॉर्ट एंड इफ ये है कि अगर सिंपल इफ और एल्स है तो बजाय इसके कि आप तीन चार लाइनों में लिखें आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको कहते हैं शॉर्ट एंड इफ, इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ये प्रिंट कर दो और अगर नहीं है तो कुछ भी प्रिंट ना करो, ठीक है, अच्छा जी, तो अभी फिलहाल हम ये करते हैं कि 26 हो रहा है, अच्छा उसके बाद हमारे पास बस ये एक चीज और देखते हैं फिर ब्रेक कर लेते हैं, एक ऑपरेटर होता है हमारे पास एंड का और का, ये कब हम यूज करते हैं, जैसे अभी बात हो रही थी ना कि भाई दो कंडीशंस लगानी है, तो उस वक्त हम फिर क्या करते हैं, जैसे मैं चले एग्जाम्पल चेंज करता हूँ, इसको सारे को मैं कॉमेंट कर देता हूँ, देखिए मिसाल के तौर पे मैंने किया ये कि आपसे आपके नंबर पूछे मार्क्स, आपने मुझे अपने नंबर बता दिए, जैसे आपके आउट ऑफ 123 आए, सही है, अब मैं यहाँ पर जो है वो कुछ चेक्स लगा रहा हूँ कि अगर आपके मार्क्स जो हैं वो हैं जनाब ग्रेटर देन, कितने में पास होते हैं भाई आप लोग, 33 पे होते हैं, और आपके मार्क्स जो हैं वो हैं कितने, चले 33 रख सकते हैं, अभी अगर 33 हैं तो मैं प्रिंट कराऊंगा कि भाई मुबारक हो पप्पू पास हो गया, ठीक है, अच्छा उसके बाद मैंने लिखा एल इफ, और आगे मैंने लिखा मार्क्स ग्रेटर देन 50 के ऊपर क्या ग्रेड होता है, मुबारक को पप्पू सी ग्रेड से पास हो गया, ठीक है, अच्छा फिर हमारे पास 60 से ऊपर क्या होता है, बी ग्रेड से पास हो गया, अच्छा उसके बाद जनाब 70 पे क्या होता है, भाई मैं आजकल डीपीएस सिस्टम पे चल रहा हूँ इसलिए मुझे याद नहीं है, अच्छा और 80 पे क्या होता है, इतना मुझे याद है, ए प्लस नहीं होता था, ए वन होता था, ठीक है, अच्छा फिर मैं यहाँ पे एक एल्स लगा देता हूँ,
हेल्थ का मतलब है कि बिलो 33 मेरी रिक्वायरमेंट ये है, और उसमें मैंने लिख दिया जनाब के कोई बात नहीं पप्पू, टीचर बन जाना। अच्छा अब ये पूरा मैंने कोड यहां पे लिख दिया, ठीक है, आपके ख्याल में कौन सी लाइन चलेगी? चलना एल्स चाहिए, मैं जो चाह रहा हूं उसके हिसाब से चलना क्या चाहिए, एल्स चलना चाहिए। और चलेगी भी कौन सी लाइन, चलेगी कौन सी लाइन, ये हम चेक कर लेते हैं। तो ये कह रहा है कोई बात नहीं पप्पू टीचर बन जाना, यानी नंबर इसके 23 थे ना, ठीक है। अच्छा अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 98, अब कौन सी लाइन चलनी चाहिए, चलनी कौन सी चाहिए, चलनी तो A1 वाली चाहिए ना, लेकिन चलेगी कौन सी, सारी चलेंगी भाई। इफ वाली देखें, एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, यहाँ इफ एलए फॉर एल्स लगे हुए हैं, तो या तो लाइन 4 चलेगी या 6 चलेगी या 8 चलेगी या 10 चलेगी या 12 चलेगी या 14 चलेगी, कोई एक चलेगी, कोई एक चल गई तो बाकी नहीं चलेंगे। तो भाई पहली कंडीशन ही ट्रू हो जाएगी, पहली ट्रू होगी तो इफ चल जाएगा, इफ चल जाएगा तो क्या होगा, पहली लाइन चल जाएगी, मुबारक को पप्पू पास हो गया, ठीक है। अच्छा ये पप्पू की स्पेलिंग मैंने सही लिखी है ना, मतलब ये लिखना आप लोग ज्यादा एक्सपर्ट है, मुझे पता है, ये रोमन इंग्लिश कहलाती है ना, इसको रोमन इंग्लिश क्यों बोलते हैं, इसको उर्दू इंग्लिश क्यों नहीं, उर्दू वाली इंग्लिश क्यों नहीं बोलते, सवाल है ऐसे पूछ रहा हूँ यार आप लोग। चलें कोई बात नहीं, तो अभी मसला ये हो रहा है कि ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये लाइन चल रही है, लिहाजा एक दफा इफ चल गया तो बाकी कुछ नहीं चलेगा, ये तो इफ का रूल है। तो अब क्या करें हम, तो अब हमें यहाँ एक्चुअली दो कंडीशंस चाहिए, एक तो ये कि मार्क्स ग्रेटर देन 33 हो लेकिन लेस देन 50 हो। तो उसके लिए जो हम चीज यूज करते हैं उसको कहते हैं हम एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर कैसे यूज होगा, आप ऐसे करके लिखेंगे एंड, आगे लिखेंगे मार्क्स लेस देन 50, समझ में आ रही बात, यानी ग्रेटर देन 33 होने चाहिए और लेस देन 50 होने चाहिए। अच्छा आप क्या प्रिंट होगा भाई, अब लाइन नंबर 5 वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो 6 प्रिंट हो जाएगा, लिहाजा आपको यहां भी एंड लगाना पड़ेगा, और आप कहेंगे कि मार्क्स जो हैं शुड बी लेस देन 60, और इधर क्या करेंगे आप, और यहां पे आप कर देंगे क्या लिखूं भाई, 90, 98 वाले का क्या ग्रेड होगा, अच्छा चले इसको तोड़ दिया मैंने, अब ठीक है, अच्छा चले अब क्या रिजल्ट आएगा भाई, अब लाइन नंबर 12 चलेगी और ये रिजल्ट देगा कि मुबारक को पप्पू A1 ग्रेड से पास हो गया, ठीक है। अच्छा अब मैंने यहाँ पे नंबर दे दिया 150, और अब मैंने नंबर दे दिया जनाब -12, अगर मैं 150 देता हूं तो क्या इसको बोलना चाहिए कि A1 ग्रेड आया, क्या कहना चाहिए, हाँ इसको बोलना चाहिए कि बेटा कहाँ से पढ़ाया आपने, कौन सी जगह है जहाँ पे 150 नंबर आ गए, या -12 किधर से आए, ऐसा बोलना चाहिए ना इसको, ठीक है।
असल में मैं आजकल की जनरेशन को बड़ा पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे एक चीज़ का बड़ी शिद्दत से एहसास है कि एक चीज़ की ना आप लोगों के साथ कमी रह गई है, आप लोगों की ना बेइज्जती बहुत कम हुई है। अगर वो होती ना तो आप लोग आजकल बड़े हमारे जैसे ही होते हैं। आपके जो पेरेंट्स हैं ना, जो आजकल की पेरेंट्स जनरेशन है, तो वो बच्चे को कॉन्फिडेंस देने के चक्कर में उसका बेड़ा गर्क कर रहे हैं। आप लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। तो इसलिए मेरा बेइज्जती करने का बड़ा शौक है, मैं चाहता हूँ कि बेइज्जत करूँ, यहाँ मैं कर नहीं सकता। चले तो मैं ये कह रहा था कि भाई इसमें एक कंडीशन और लग जाएगी, वो कंडीशन ये होगी कि मार्क्स अगर लेस देन जीरो हैं, और हमने और लगा दिया, मार्क्स ग्रेटर देन 100 हैं, तो आप यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे कि इनवैलिड मार्क्स बेटा पप्पू, ठीक है। अच्छा अच्छा, अब ये जो इफ है ना, ये अलग इफ है और ये अलग इफ है। यानी अभी इस वक्त अगर मैं 150 देता हूं तो अभी ये कहेगा कि इनवैलिड मार्क्स, और ये भी कह देगा कि मुबारक हो पप्पू A1 ग्रेड से पास हो गया, क्योंकि ये इफ अलग है, ये इफ अलग है। तो सिंपल बस आप यहाँ एल लगा दें तो अब ये इसका ही पार्ट हो गया। तो यानी ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये इधर आएगा। तो अब इसमें बस ये चीज देख लें कि यहाँ एंड लगा हुआ है या और लगा हुआ है। एंड का मतलब है कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, और का मतलब है कोई एक होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ एंड लगा दूं तो क्या होगा? अब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो जीरो से छोटा और 100 से बड़ा हो, या है कोई? तो ये कंडीशन कभी ट्रू नहीं होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो लिहाजा जनाब ये आपके पास एक मैंने पूरा ये स्टेटमेंट यहां बना दी है बाय यूजिंग इफ एल इफ और एल्स। ठीक है चलें, तो अभी यहां पर हम एक ब्रेक कर रहे हैं। कितनी देर का ब्रेक चाहिए भाई? चले 1:36 हो रहे हैं, 2 बजे हम फिर क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप जरा चहल पहल कर लें, पानी वानी पी लें, इतनी देर में मैं खाना वाना खा के आता हूँ।